दुकान में शराब पीने से किया मना, तो दबंगों ने चाकू से की ताबड़तोड़ वार, गंभीर घायल को किया गया हायर मेडिकल सेंटर रेफर। पूरा मामला बुलंदशहर के थाना पहासू क्षेत्र के गांव गंगागढ़ का है। घायल विजय कुमार निवासी गंगागढ़ गांव में ही हेयर कटिंग की दुकान पर कार्य करता है। पीड़ित का आरोप है कि अनिल निवासी गांव गंगागढ़ दुकान पर आते ही अपनी दबंगता दिखाते हुए दुकान में शराब पीने के लिए पानी मांगने लगा। पीड़ित विजय ने दुकान में शराब पीने के लिए मना किया, इसी बात पर विवाद बढ़ गया। दुकान में शराब पीने से मना करने पर दबंग ने पीड़ित विजय पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिसमें विजय गंभीर घायल हो गया। आनन फानन में घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहासू ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने गंभीर हालत को देखते हुए तत्काल जिला अस्पताल भेज दिया गया। जिला अस्पताल में भी घायल को इलाज नहीं मिला, वहां से उसे हायर मेडिकल सेंटर मेरठ के लिए रेफर कर दिया, जहां घायल की अभी भी गंभीर हालत बनी हुई है। वह जिंदगी और मौत के लिए जूझ रहा है। वहीं पीड़ित परिवार ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि थाना पहासू की पुलिस मुख्य धारा 307 में रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है, जिससे पीड़ित परिवार काफी आहत है। क्या नाम है? विजय। चाकू मारा था आपके? हाँ। अच्छा, कहाँ का रहने वाला है वो? गंगागढ़। पहचानते उसे? हाँ बिल्कुल। क्या नाम, क्या है उसका? अनिल नाम है। तो आपने यहाँ हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए आए हैं?